अगले कॉलर। हाँ जय जहिन सर, बोलिए। मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ सर। हाँ आपके द्वारा यक्ष प्रश्न उठाया गया है। हाँ लेकिन जो देश काम से नहीं नाम से चल रहा हो वहाँ इस प्रश्न को उठाए भी तो कौन, क्या वहाँ का नेतृत्व तो वहाँ के जीवन से, वहाँ के दर्शन से, वहाँ की आत्मा से जुड़ा हुआ है? जुड़ा है तो सिर्फ नाम से। चारों दिशाओं की ओर पर बने देव स्थान धार्मिकता के साथ साथ अखंडता और एकता के प्रतीक भी हैं। बद्री केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ और सोमनाथ या फिर अमरनाथ, क्या इनको भी अपने सेकुलर या धर्म निरपेक्षता का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा? इतने बड़े जान माल की हानि हुई, धरती का सीना फट गया, कितने ही लोग समा गए, इनको किसी की चीख पुकार सुनाई नहीं दी। केंद्र से लेकर राज्य सरकार सोती रही, देश का नेतृत्व तो कहीं सेकुलर धर्म निरपेक्षता का सर्टिफिकेट बांटता रहा, वहीं प्रदेश में होते हुए भी युवराज का जन्मदिन नेता मनाते रहे। नेता अभिनेताओं के लिए दुआ मांगने वाला देश जैसी गहरी नींद में सो रहा हो, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार ने जिस तरह गुमराह करने वाले बयान दिए, राष्ट्रीय आपदा को प्राकृतिक और दैविक आपदा बताकर पल्ला झाड़ा गया तो निंदनीय है। यही रास्ता हिंदी चीनी भाई का भी है, जिसने वहाँ के जनजीवन को इतना डराया जो आज भी याद है। यदि इतने समय बाद भी आवागमन के, सूचना प्रसारण के ये हाल हैं, तो आगे क्या होगा? समय समय पर सुप्रीम कोर्ट आदेश न दे तो गांधी चालीसा में डूबे लोग राष्ट्रगान भी भूल जाते। इन्हें पता नहीं चद्दर चढ़ाने के साथ साथ फेस में चुंडी चढ़ाने का भी रिवाज है। राष्ट्र पर विपत्ति है, किसी संप्रदाय पर नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जय हिंद सर। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में ये जो कुंभ मेलों में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, हाँ, उसके बाद जो सरकार मदद में देरी करती है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। हिंदू धर्म को ऐसे तीर्थयात्री जो जाते हैं उनको घटा के उनका जो हिंदू विरोधी और हिंदू नाशी जो अभियान है उसको तेज चलाना चाहते हैं, और मतलब पूरे भारत में ईसाई तत्व को ज्यादा फैलाना चाहते हैं। धन्यवाद। अब ये जो वहां पर विपदा आई है इसका धार्मिक भी दुरुपयोग किया जाएगा और वहां पर धर्मांतरण की भी कई प्रकरण बढ़ेंगे और आपके भगवान ने ही आपको मारा और वो आपको बचा नहीं पाया, ऐसे दुष्प्रचार के कई सोशल मीडिया पर मैसेज आने लगे हैं, ये भी एक विपदा है, उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। अगले कॉलर। नमस्कार, हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जय हिंद सर। नमस्ते सर, जय हिंद सर। हाँ सर, मैं राजकुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। बोलिए। यहाँ पे अगर उत्तराखंड में मुसलमान समुदाय का कोई आदमी मर होता, सारे नेताओं वहाँ चले गए होते और प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी भी जाके वहाँ पे राहत बचाव मिल गए होते। ये हिंदू वहाँ पे मर रहे हैं और वो क्षति पहुँचा, इसलिए कांग्रेस वो हिंदू का कट्टर है। धन्यवाद। हालांकि हम ऐसे अपील करते हैं कि तमाम ऐसा सोचने वाले लोग, खास करके सरकार में अगर ऐसा कोई है तो ऐसा ना सोचे। उत्तराखंड वहां के धार्मिक पर्यटन के कारण ना केवल जाना जाता है बल्कि उसके अर्थ कारण का भी एक बहुत बड़ा कारण है। उत्तराखंड सरकार वहां पर आने वाले यात्रियों को मदद नहीं देती, आने वाले यात्री वहां का राज्य चलने के लिए मदद करते हैं, उनके पर्यटन से राज्य चलता है, इसलिए आप कोई उपकार नहीं कर रहे हैं बल्कि आप अपने कर्तव्य में कम हो रहे हैं। अगले कॉलर। जहिन, जय, बोलिए। नरेश विश्वकर्मा बाकी सिद्धार्थ नगर से बोल रहा हूँ। हाँ इस देश में क्या, हेलो, बोलते रहिए आप। क्या इस देश में 50 हेलीकॉप्टर है? नेताओं के लिए 1000 हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है, आम जनता मर रही है वहाँ उत्तराखंड में, उसके लिए नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो आउल बाबा है वो बैठ के इंग्लैंड में मस्ती कर रहे, गाली देने की उम्र काली, मैं क्या गाली दूं सालों को। धन्यवाद। इस देश में कई जब चुनाव होते हैं, बिहार के चुनाव की बात बोले तो वहां पर 128 हेलीकॉप्टर थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 200 से ज्यादा हवाई हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज थे, लेकिन इस आपदा में अभी तक ये आंकड़ा 10-12 तक क्यों अटका हुआ है? अगले कॉलर। जहिन, जहिन सर, बोलिए। हाँ दुखद और भयानक स्थिति होने के बावजूद
केंद्र सरकार ने अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। इतने बेसहारा हैं हम और हमारा ये देश जल त्रासदी हुए 5 दिन बीत चुके हैं। सरकार की ओर से बढ़ चढ़ कर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई उत्तराखंड में फंसे हुए श्रद्धालुओं और वहाँ के मूल निवासियों की जुबानी सारा देश सुन रहा है और देख रहा है। श्रद्धालुओं को जिंदा रहने के लिए घास तक खानी पड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जल त्रासदी का हवाई सर्वेक्षण बिस्लेरी का पानी पीते हुए करते हैं और दिल्ली वापस आते हैं। प्रधानमंत्री देशवासियों से इस त्रासदी से निपटने के लिए मिलजुल कर उदारता से दान देने की अपील करते हैं। मेरा कांग्रेस सरकार से निवेदन है कि ऐसी भयंकर आपदा को जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्रवाद और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तुरंत इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल में, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। इतनी बड़ी आपदा को राष्ट्रीय आपदा अब तक घोषित क्यों नहीं किया गया है? क्या सरकार की ऐसी मजबूरी है? क्या ये इतना गंभीर मामला नहीं है कि सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे? हम आपको बता दें कि हम इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित इसलिए भी करना चाहते हैं, इसलिए मांग कर रहे हैं, देश कह रहा है, क्योंकि वहां पर जो पहुंचने वाली मदद है उसका समय बहुत कम है। सरकार के पास, मदद पहुंचाने वालों के पास चंद घंटे है, चंद दिन भी नहीं है, लेकिन पूरी सरकारी यंत्रणा अभी तक वहां पर क्रियान्वित नहीं हुई है। अभी थोड़ी देर पहले सुदर्शन पर वहां के कांग्रेस के एमएलए फोनों दे रहे थे और कह रहे थे कि कलेक्टर को बात करने के लिए, परमिशन लेने के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। कलेक्टर को खुले हाथ क्यों नहीं आदेश दिया जाता कि जान बचनी चाहिए, जितना खर्चा हो, जो निर्णय करना हो करो, लेकिन ये नहीं हो रहा है। हाथ बंधे हुए हैं और इसलिए वहां पर लोगों की जान भी जा रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर, गुजरात से। हाँ, हमारे देश के ऊपर जो उत्तराखंड के अंदर जो आस्था हुआ है सर, हाँ, उसके अंदर सरकार गुनहगार है सर। क्यों इंतजाम, जो यात्री जाते हैं हमारे, उनका इंतजाम क्यों नहीं किया पहले से? और दूसरी बात, अभी जो लोग वहाँ पे परेशान हाल है, तो कलेक्टर है, ये जितने भी है, किसी का आदेश ना ले सर। और सेना को मैं सलाम करता हूँ, अपनी देश की सेना को, जो सेना है तो हमारा देश सलामत है। और इन नेताओं को खुद को वहाँ जाना चाहिए और यात्रियों को बचाना चाहिए। इनको हम जिताते किस लिए? इलेक्शन में वोट क्यों देते हम? कि हमारे देश की सलामती के लिए, हमारे देश में। धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मैं अजीत शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सुकाना में नक्सली हमला हुआ था, उस समय कांग्रेस के सारे नेता इसको राष्ट्रीय क्षति बता रहे थे। जो 4-5 कांग्रेस के नेता मारे गए थे, आज सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में इनको क्या आपत्ति है? और मैं ये जानना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से, बिल्कुल मैं कांग्रेस के नेताओं से ये जानना चाहता हूँ कि आपको इतना जो विलंब किया जा रहा है, इतना जो, बिल्कुल धन्यवाद, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर प्रधानमंत्री खुद वहां पर जाकर क्यों नहीं बैठते? उनको इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्यों नहीं गियर अप किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में अंत विधि के लिए आप गए, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन यहां वहां तो 4 लोग मरे थे, आपके नेता मरे थे, या मरने वालों की संख्या बाद में भले 30 तक पहुंची थी, यहां पर तो यह संख्या इतनी बड़ी है, हजारों में है। मैं ये हजारों का आंकड़ा लेकर उन लोगों की आशा को नहीं तोड़ना चाहता जो अपने अपनों को घर वापस लौटने के लिए टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, लेकिन भाइयों ये दुखद है कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है, राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप ज्यादा आंकड़ा मत बताइए, न्यूज चैनलों को एडवाइजरी में कहा जा रहा है कि इसको बढ़ा चढ़ाकर मत पेश करिए। हम कहते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर पेश करना गलत है, लेकिन सत्य को छुपाना भी उससे ज्यादा गलत है। आंकड़ा जाने दीजिए, लोगों को इसकी गंभीरता समझने दीजिए। अभी भी जो भी मौज मजा इस देश में कई जगह पर चल रही है वो रोक दीजिए। अभी भी इस देश के 1000 से ज्यादा अधिकारी विदेश यात्रा पर गए हैं गर्मियों की छुट्टी मनाने, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर उनको तुरंत वापस आना होगा। क्या सरकार ऐसा नहीं चाहती, या राहुल गांधी का वापसी का कार्यक्रम अभी नहीं बना है? अगले कॉल, जय हिंद, जय हिंद, बोलिए, जय हिंद, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ देश की नदियां जुड़ने से काम होगा, ये कांग्रेस ने विरोध किया था जब अटल जी की सरकार थी। ये नंदीश्वर भगवान ने दिखा दिया है, फिर शंकर भगवान की बारी आएगी,
लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, नेताओं को भी ध्यान देना बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। हम आपको बता दें कि इसी बिंदास बोल में हमने एक महीने पहले कार्यक्रम किया था जब महाराष्ट्र में बड़ा सूखा पड़ा था और दूसरी तरफ हमने कहा था कि अब बाढ़ उत्तर में आने वाली है। इस वक्त भी इस देश में कितनी विषम स्थिति है कि एक तरफ इतना ज्यादा पानी है कि विपदा राष्ट्रीय आपदा आई है और दूसरी तरफ सूखा पड़ा है। इसलिए नदियों को जोड़ने का अगर हम काम करते तो हम ऐसे समस्याओं से अपने आप को बचा सकते थे। अगले कॉलर जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा क्या घोषित करेगी, इसकी मानता ही नहीं है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की स्थापना की। सरकार तो राहत कार्य भी ठीक से नहीं कर रही है। यदि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग या वहाँ के लोकल लोग यदि राहत कार्य ना करें, हमारी भारतीय सेना राहत सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार निकम्मी है। सरकार धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सुरेश जी प्रणाम। हाँ मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, पूरा देश शर्मसार है, दुखी है, लेकिन इन लोगों को क्यों नहीं दुख होता है, मुझे बड़ी चिंता होती है। और एक चीज फेसबुक से हम अभी आज हम पढ़ रहे थे कि धारी देवी माता का जो मंदिर है उसके बारे में, तो मैं जानना चाह रहा था आपके माध्यम से कि मतलब कितनी सच्चाई है इस खबर में। बिल्कुल, हम आपको, हमने सुदर्शन ने खबर दिखाई है। आपको हम बता दे कि पर्यावरणवादी जो नेता है अग्रवाल जी, उन्होंने भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से अपील की थी कि धारा मतलब गंगा के लिए सुप्रसिद्ध ये जो राज्य है, वहाँ जो टिहरी बांध बना है वहाँ पर धारा देवी का मंदिर था जो कि धारा से राज्य की लोगों की रक्षा करती थी, उस मंदिर को तोड़ा गया। उस मंदिर को तोड़ना नहीं चाहिए ये सब लोगों का कहना था, बल्कि वहां के पुजारी भक्त ये कहते थे कि इसको जब भी किसी ने तोड़ने का प्रयास किया तो वहां आपत्ति आई। आपको बता दें कि 16 तारीख को ही इस मंदिर को तोड़ा गया और उसी दिन इतना बड़ा प्रलय आया है। उस देवी का कोप भी एक बड़ा कारण हो सकता है। सरकार जब असंवेदनशील होती है, भगवान के प्रति उनके प्रति मन में कोई आस्था नहीं होती है, तो उनके लिए कोई मंदिर यहां से उठाकर वहां रखना बहुत ही साधारण बात मानी जाती है। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में जब हुआ तो उसका भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अगले कॉलर जय हिंद, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जेपी यादव बोल रहे हैं यूपी से। उत्तराखंड में जो आपदा आई हुई है, अगर अभी मनमोहन और सोनिया गांधी पूरा देश विदेश तो घूम के आते हैं। हाँ इतना बड़ी आपदा आई है, लोग चाहे तो बढ़िया बना सकते हैं। धन्यवाद।